हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स मेडिज ओडिशा। आज मैं बेस्ट बुक्स फॉर सीएसआर नेट गेट जस्ट फिजिक्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो कौन सा बुक फॉलो कीजिए जो कि बेहतर है सीएसआर नेट के लिए, बहुत डिस्कशन करूंगा। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले देखते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में। देखिए, ये बुक है मैथमेटिकल फिजिक्स, एच के दास, डॉक्टर रामो वर्मा, एस चांद पब्लिशर का बुक है। तो ये बुक बहुत ही शानदार बुक है, मेरे पास 6 साल से है और मैं बुक को बहुत फॉलो करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन इस बुक्स में आते हैं और देयर आर मोर देन 26 कंटेंट, सॉरी 49 कंटेंट है बुक में और बहुत ही शानदार बुक है और लगभग मैथमेटिकल फिजिक्स के सारे कंसेप्ट बुक में आते हैं और बहुत बार देख चुका हूँ नेट गेट चेस्ट एग्जाम के लिए। ये बहुत सारे बच्चे ये बुक फॉलो करते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट भी मानते हैं ये बुक बहुत ही शानदार बुक है और लगभग डायरेक्ट क्वेश्चन भी बुक में आते हैं, 40-50% क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन इस बुक में आ जाते हैं। इस बार देखे हूँ नेट सर नेट में जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था 2000 में डायरेक्ट क्वेश्चन इधर में ही आया था और जेस्ट में भी इधर में भी आया था। तो ये बुक बहुत ही शानदार है, आपके पास ये बुक रहना चाहिए जो कि प्रिपेयर हो रहे हैं सीएसआर नेट गेट जेस्ट के लिए। तो फिर जिसका बहुत ही शानदार बुक है, आप ये अराउंड 600 कॉस्ट आ जाते हैं, अमेजोन में डायरेक्ट अवेलेबल है, आप भी ला सकते हैं। अगर डिस्काउंट लगे तो 400 में भी आ सकता है बुक, मैंने 350 में लाया था ये बुक। तो बहुत ही शानदार बुक है, आपके पास जरूर रहना चाहिए और प्रिपेयर होने के लिए बेस्ट बुक है और प्रॉब्लम सॉल्व के लिए बहुत ही शानदार बुक है, बहुत सारे प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, अभी देखते हैं दूसरा बुक। देखिए, दूसरा बुक इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स बुक रहता है और डेविड जी ग्रिफिथ, ये सबसे शानदार बुक है और दुनिया में सारे इधर में ये बच्चे ये फॉलो करते हैं और ये फियर्सन पब्लिशर का बुक है, वो बहुत ही शानदार बुक है, ये देख चुके हैं आप। अराउंड 300 कॉस्ट रहता है उसका और लिखिए ये टेबल ऑफ कंटेंट रहता है और सारे कंटेंट इधर में आ जाते हैं। ठीक है, देयर आर 12 कंटेंट, ठीक है 12 कंटेंट, वो बहुत ही फंडामेंटल फिजिक्स के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी में और इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नोस्टैटिक सारे चीजें इधर में आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी इधर में रहता है और ये बुक इतना शानदार बुक है, अगर ये आप बुक पढ़ेंगे तो ये इसमें प्यार में पड़ जाएंगे, इतना शानदार बुक है। अगर कोई प्रिफर हो रहा है सीएसआर नेट के लिए तो ईएमटी के लिए बहुत ही शानदार बुक है, कंसेप्ट वाइज बहुत ही शानदार है और सारे एंट्रेंस के लिए भी बहुत ही प्रिपरेशन के लिए बहुत ही शानदार बुक रहता है और जो कि देते हैं इंटरव्यू उसके लिए भी ये बुक बहुत ही कारगर रहता है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट इधर में रहता है और प्रॉब्लम भी डायरेक्ट प्रॉब्लम भी आते हैं और आप लोग फॉलो कीजिए बुक। ठीक है, ये बुक देखिए आप, नया एडिशन का बुक है डेविड जी ग्रिफिथ का, ठीक है ईएमटी का ग्रिफिथ, और ये ही एक ही बुक फॉलो कीजिए, बहुत ही शानदार बुक है। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्व के लिए ये बुक बहुत शानदार है। ठीक है, चले देखते हैं दूसरा बुक। देखिए, ये दूसरा बुक है क्वांटम मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, नरोदिन जेटली विली पब्लिशर का। ठीक है, वो पियर्सन था, ये विली पब्लिशर का बहुत ही शानदार बुक रहता है और देखिए विली सेकंड एडिशन है क्वांटम मैकेनिक्स का, ये लेटेस्ट एडिशन सेकंड था और मेरे पास ये अराउंड 700 कॉस्ट आया था और डिस्काउंट लगकर 500 कॉस्ट में मैं पाया था बुक, 6 साल से मेरे पास है और ये बहुत ही शानदार बुक है। लगभग क्वांटम मैकेनिक्स का सारे चैप्टर इधर में आ जाता है, कंटेंट देखिए बुक तो बहुत ही शानदार बुक है, बहुत सारे डिफिकल्ट प्रॉब्लम इधर में रहता है और मैंने बहुत बार एग्जाम में देख चुका हूँ ये प्रॉब्लम, डायरेक्ट प्रॉब्लम भी आता है और अमेज़न में मैं लाया था एक बुक और बहुत ही शानदार बुक है। आप पहला चॉइस ये रखिए क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स है, इससे शानदार बुक मैंने आज तक नहीं पढ़ा है। मेरे पास अरुल दास भी है, बहुत सारे बुक है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, लेकिन ये सबसे बेस्ट बुक है क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही क्लियर स्पेसिफिकेशन है और आप ये बुक को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो आप अमेजन में तुरंत जाइए, बुक को खरीदिए और पढ़िए। ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिक्स जेटली का है और विली पब्लिशर का है, विली का बहुत शानदार पब्लिशर है, दुनिया में बहुत सारे चलते हैं और ये क्वांटम मैकेनिक्स के लिए बेस्ट बुक है जेटली। ठीक है, याद रखिए ग्रीन कलर का जेटली। चले देखते हैं फिर दूसरा बुक। अभी देखिए, वो क्वांटम मैकेनिक्स का बुक था, ये क्वांटम में प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन जी अरुल दास कैरोलिना सिटी का एचओडी है अरुल दास का। ये प्रॉब्लमेटिक बुक मेरे पास भी 3-4 साल से है, वो मैं बहुत सारे प्रॉब्लम कर चुका हूँ इधर में और देखिए कि बहुत सारे प्रॉब्लम इधर में है और डायरेक्ट अगर सब प्रॉब्लम सॉल्व करके जाइए तो क्वांटम मैकेनिक्स का एक ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन आ जाएगा और कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाएगा आपको। ठीक है, तो बहुत ही शानदार बुक है। अब प्रॉब्लम 5 देखिए, इधर में पेपर में लिखा है 500 प्रॉब्लम सोल्यूशन, तो टोटल 500 प्रॉब्लम इधर में है और क्वांटम मैकेनिक्स का सारे कंटेंट का प्रॉब्लम इधर में रह जाता है। देखिए, ये प्रॉब्लम है अरुल दास, ठीक है, PHI लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड का है, दिल्ली। देखिए, ये 2016 का पब्लिशर है, मैं लाया था।
तो 3-4 साल में मेरे पास है बुक और सारे प्रॉब्लम देखिए, सारे कंटेंट इधर में आ जाता है। आप ये बुक फॉलो कीजिए जरूर क्वांटम का प्रॉब्लम के लिए, ठीक है? देखिए बुक, चले देखते हैं फिर। अभी देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल गुप्ता कुमारी शर्मा है मेरे पास है, ठीक है? गुप्ता कुमारी शर्मा, देखिए ये बुक अराउंड 200 कॉस्ट है इधर का, और बहुत ही सिंपल वे में ये सब कुछ एक्सप्लेनेशन है। और आप अगर फॉलो कीजिए, ई बुक भी फॉलो कीजिए, तो बहुत ही शानदार बुक रहता है। और मैंने इस बुक को इंडियन ऑथर का फॉलो किया है, लेकिन फॉरेन ऑथर का मेरे पास बुक नहीं है, लेकिन इंडियन ऑथर का बुक मुझे सबसे अच्छा लगा। और उपाध्याय, ठीक है, एक जैसी उपाध्याय है बुक है क्लासिकल मैकेनिक, वो भी फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्ट सिमिलरिटी बुक है, और बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी इधर में आते हैं। बहुत बार देख चुका हूँ, जैसे कि सेंट्रल प्रॉब्लम में क्वेश्चन और रहता है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स के प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम इधर में आता है। तो आप ई बुक को फॉलो कीजिए, बहुत ही शानदार बुक है, और डायरेक्टली बहुत सिंपल वे में सब कुछ एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? वर्क एग्जाम्पल भी है, आप कर सकते हैं, ठीक है? ये क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए बहुत ही शानदार बुक है, अमेजोन में अवेलेबल है, आप जाकर खरीद सकते हैं, ठीक है? अभी देखते हैं दूसरा बुक, ये देखिए सी एस आर नेट जनरल एप्टीट्यूड ए न्यू आउटलुक। तो पार्ट ए के लिए ये जो क्रिस्टोफर वर्गीस है, केरला में रहते हैं, वो आते हैं विभिन्न डिफरेंट कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के लिए आते हैं। सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि ये बुक मैं पढ़ चुका हूँ, 3-4 साल से मेरे पास है, और ये दुनिया सबसे ज्यादा बेहतर सबके लिए, जो भी सी एस आर नेट एग्जाम दे रहे हैं, फिजिकल साइंस होता है, बायोलॉजिकल साइंस, जो भी एग्जाम रहता है, ये जन पार्ट ए के लिए सबसे बुक है। देखिए सब प्रॉब्लम मैं कर चुका हूँ इस बुक से, तो बहुत ही शानदार रहता है ये बुक, और बहुत बार इधर में क्वेश्चन रहता है, ठीक है? और एक्सप्लेनेशन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन है, और एक्सरसाइज है, आप कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार बुक है, आप खरीद के लाइए, ठीक है? अराउंड 250 कॉस्ट रहता है, अमेजोन में अवेलेबल है, आप ला सकते हैं और पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि दिसंबर में अभी ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। और ये बुक याद रखिए, वर्गीस सी एस आर नेट जनरल अप टू न्यू टार्लू क्रिस्टोफर वर्गीस, ठीक है? ये देखिए ये है वो जो पढ़ाने के लिए आते हैं, ठीक है? तो ये बुक याद रखिए। और ये गाइड के लिए याद करें तो सी एस आर एंड फिजिकल साइंस ये जो कान्हा पब्लिशर का है, और डॉक्टर नागेश्वर राव, आर नागेश्वर राव जो रहता है, रहते हैं फिजिक्स इंस्टीट्यूट रहता है यूवी हैदराबाद में, मैं पढ़ चुका हूँ इधर में, वो बहुत ही शानदार बुक है। और यह लाइए सारे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन रहता है, और आपको सी एस आर नेट क्वालिफाई होने के लिए बहुत ही शानदार बुक है, हिदा सीरीज का, कान्हा पब्लिशर का, सी एस आर नेट फिजिकल साइंस, ठीक है? और ये मेरे पास बुक है, ये देखिए ये आर्यन पब्लिशर का है, तो आर्यन पब्लिशर में ये याद रखिए, आर्यन पब्लिशर का ये भी बुक बहुत शानदार है, लेकिन ज्यादातर गलत रहता है क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही अच्छा बुक है। ये दोनों बुक आप फॉलो कर सकते हैं, कान्हा पब्लिशर और ये आर्यन का, दोनों बुक आप फॉलो कर सकते हैं। और कौन से जानने के लिए, मॉडर्न फिजिक्स का ये जो बुक है आर्थर बेजर, एमसी ग्रीहिल यूनिवर्सिटी, ये भी याद रखिए, ये भी बहुत ही शानदार बुक है, और कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही शानदार, जो भी प्रिपेयर होने के लिए प्राइमरी लेवल में वो रखिए, याद रखिए, ठीक है? ये बहुत शानदार बुक है। और आप बुक फॉलो कर सकते हैं जो कि मैंने नहीं बताया, मेरे पास अभी नहीं है, घर में है, तो आप फॉलो कर सकते हैं बीबी लॉर्ड, बीबी लॉर्ड, ठीक है? बीबी लॉर्ड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। और मेरा एक पास एक वीडियो है हाउ टू पीजी एंट्रेंस के लिए बेस्ट रेफरेंस बुक, वही फॉलो कीजिए। बहुत सारे बुक में मैंने उधर में रेफरेंस दिया है, और जिमांस्की का आप थर्मोडाइनेमिक्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? और कुछ बाकी रह गया तो वीडियो में कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।